हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, नीट 2022 एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के एक बड़ी खबर आई है दोस्तों। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, साथ में एडमिट कार्ड से रिलेटेड और साथ में आपका एग्जाम जो है वो कब हो सकता है अगर पोस्टपोन होता है, तो इसी को लेकर के दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो, काउंसलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दो लिंक दिए आपको, एक तो यूजी के लिए अगर आप यूजी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या फिर नीट पीजी के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। दोस्तों आपको जो है बिल्कुल अच्छे से गाइड किया जाएगा और कई बार आपके अच्छे नंबर होने पर भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों ये काउंसलिंग अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको जो है कम नंबरों में भी चांसेज है कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए तो बिल्कुल कम बजट के अंदर प्राइवेट कॉलेज भी आपको दिलवा दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है काउंसलिंग के लिए दो फॉर्म दिए दोस्तों, उनमें अपनी डिटेल भर दें, आपको जो है जब काउंसलिंग शुरू होगी तो अच्छे से गाइड किया जाएगा टीम के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नीट 2022 पोस्टपोन होने को लेकर के एक न्यूज आई है। हालांकि दोस्तों एडमिट कार्ड जो है वो कभी भी जारी किए जा सकते हैं, बोला गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये जारी कर दिए जाएंगे, केवल 17 जुलाई के लिए आपका बहुत कम दिन बाकी है। तो दोस्तों उसी को लेकर के ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज आई है, ये जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाते तो मे बी लागू हो जाए। इसमें लिखा गया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लीज पोस्टपोन नीट यूजी 2022। क्या बोला गया है कि सर व्हाट्स द हार्म इन नीट यूजी 2022 पोस्टपोनमेंट। उन्होंने रीजन दिया है दोस्तों कि एनएमसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि नया सेशन जो है एमबीबीएस के लिए 2022-3 के लिए वो बिफोर फरवरी स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो नीट यूजी 2022 को पोस्टपोन करने में क्या ही प्रॉब्लम है। आपका एग्जाम जो है जो 17 जुलाई को होना है उसको 11 सितंबर तक पोस्टपोन किया जा सकता है, वी कैन ज्वाइन बिफोर मार्च 2023। इसमें बोला गया दोस्तों अगर आपका 11 सितंबर तक भी एग्जाम हो जाता है तो भी आपके पास इनफ टाइम होगा। नीट यूजी रिजल्ट डिक्लेरेशन हार्डली टेक्स ए मंथ एंड काउंसलिंग कैन बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स, सो इफ नीट यूजी 2022 गेट्स पोस्टपोन्ड टू 11th of September, Still, whole result declaration and counseling process will get completed by early January 2023. Still, we will be left with an extra month and a half. उसके बाद भी आपको पास काफी समय बच जाएगा। तो दोस्तों मांग तो बहुत अच्छी की है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो है बताया है कि क्यों हम पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं, वो रीजन आपको पता ही है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जो रीजन दिया गया है ये कहाँ तक जायज है, और अगर ऐसा है तो क्या पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी 1 या 2 दिन में अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है। लेकिन जब तक एग्जाम के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, जब तक काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्या पता पोस्टपोन हो जाए, उनकी रिक्वेस्ट जो है वो मान ली जाए। और दोस्तों एडमिट कार्ड जो है अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो आज या कल में जरूर जो है यहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों नीट यूजी पीजी की काउंसलिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, 2 फॉर्म का गूगल फॉर्म है, उनको आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा अपने अच्छे से जानकारी सारी, आपको जो है काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।